आइए अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कौन सी खबरें रही हैं जो दिन भर सुर्खियों में रही शामिल टॉप न्यूज में। जम्मू से गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी नेताओं की बैठक पर बड़ा हमला बोला है। अमित शाह ने कहा कि पटना में फोटो सेशन चल रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मोदी को कभी टक्कर नहीं दे पाएगा और 2024 में मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। शाह ने कहा कि आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष फिर से बुरी तरह हारेगा। अमित शाह ने कहा कि ये विपक्ष चुनाव आते ही एक होने लगता है, जिसके बाद नहीं पता चलता कि इसका हुआ क्या। गृहमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को तो पहले से ही सहारे की जरूरत है। विपक्ष की बैठक पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्षी बिहार में गलबहियां कर रहे हैं, लेकिन ये भूल गए कि लालू प्रसाद यादव को राहुल गांधी की दादी ने 22 महीने के लिए जेल में डाल दिया था। नीतीश कुमार 20 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे थे और आज पटना की धरती पर जब वो राहुल गांधी का स्वागत करते हुए इन तस्वीरों में देखते हैं तो उन्हें लगता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस को विश्व नेताओं की ओर से की जा रही प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा हजम नहीं हो रही। मुंबई में फ्लाइट हाईजैक की बात करने पर एक यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया। वो दिल्ली के लिए उड़ान भरने को तैयार विस्तारा की फ्लाइट में बैठा था। उसने फोन पर किसी से कहा कि हाईजैक की सारी प्लानिंग है, उसका सारा एक्सेस है, चिंता मत करना। ये सुनते ही उसके बगल में बैठे दूसरे यात्री ने क्रू मेंबर को ये बात बताई। उन्होंने उस संदिग्ध यात्री को सीआईएसएफ के हवाले कर दिया। घटना गुरुवार की है। मीडिया में ये जानकारी आज सामने आई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आज सुबह सुरक्षा बलों ने चार आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि संयुक्त ऑपरेशन में सेना और पुलिस ने कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में चार आतंकियों को ढेर कर दिया है। आतंकी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से भारतीय सीमा की तरफ घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया। इससे पहले 16 जून को कुपवाड़ा में ही सुरक्षा बलों और पुलिस ने एक ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था, जिसमें 5 विदेशी आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया था। एनसीबी के पूर्व जोनल चीफ समीर वानखेड़े को बड़ी राहत मिली है। अब सीबीआई 28 जून तक वानखेड़े को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। मुंबई के एक कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम राहत बढ़ा दी। पहले कोर्ट ने उन्हें आर्यन ड्रग केस में 23 जून तक गिरफ्तार न करने का निर्देश दिया था। सीबीआई ने वानखेड़े पर आरोप लगाया कि उन्होंने कौडिल्या क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन को छोड़ने के बदले 25 करोड़ रुपए की मांग की थी। सीबीआई ने इस मामले में वानखेड़े समेत 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इसी के खिलाफ वानखेड़े कोर्ट पहुंचे थे।